नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुम्हेर भाजपा के जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल का कुम्हेर में प्रताप सिंह मेहरावर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साफा मालाओं से स्वागत सत्कार किया गया। ऋषि बंसल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 4 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए जयपुर चलने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस सरकार की स्थिति चरमरा गई है, बेरोजगार लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, राजस्थान में सड़कों की हालत खराब है, किसानों की कर्ज माफी नहीं होने से उन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है, सरकार उनकी जमीन नीलामी कर रही है, इससे किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, पीने के पानी, सिंचाई के पानी व बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अतः आगामी दिसंबर माह में राजस्थान विधानसभा के होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए, ताकि राजस्थान और केंद्र में दोनों ही सरकारें भारतीय जनता पार्टी की होगी तो मिलजुल कर लोगों के काम हो सकेंगे और राजस्थान का विकास हो सकेगा। कार्यक्रम में प्रताप सिंह मेहरावर के अलावा संतोष बंसल, राकेश यादव, पप्पू जैन, अशोक तिरंगा, बॉबी तिलंगा, लक्ष्मीकांत शर्मा शहर मंडल अध्यक्ष, भगवान सिंह कटारिया, दालचंद बघेल, सतीश सैनी, बबलू चौधरी शहर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा, भूदेव शर्मा, बुद्धन जाटाऊ, पप्पू प्रजापत, रमन प्रजापत, मदन प्रजापत, पूर्ण सैनी, कुलदीप सोलंकी, हरपाल सिंह पला, रोशन अग्रवाल, गंगा यादव, लोकेंद्र यादव आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रताप सिंह महावर ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आह्वान पर 4 मार्च को विधानसभा घेराव के लिए डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से उनके नेतृत्व में 200 भाजपा कार्यकर्ता भाग लेंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।